हरियाणा चुनाव में हार को लेकर राहुल गांधी पर बरसे आचार्य प्रमोद। कांग्रेस की बर्बादी नहीं हो रही है, कांग्रेस की बर्बादी के सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई है तो राहुल गांधी है। आचार्य प्रमोद ने कहा, हुड्डा को मना किया था, राहुल को प्रचार के लिए मत बुलाओ। ये बड़ी मजेदार बात है कि जिनकी वजह से कांग्रेस हारती है वही हार की समीक्षा करते हैं। राहुल ने किया प्रचार तो महाराष्ट्र और झारखंड में होंगे हरियाणा वाले हार। अगर महाराष्ट्र और झारखंड में राहुल गांधी प्रचार में गए तो झारखंड और महाराष्ट्र से भी इसी तरह के परिणाम आए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और ये कहा है कि अगर राहुल गांधी महाराष्ट्र और झारखंड में भी प्रचार के लिए जाएंगे तो हरियाणा जैसा हाल महाराष्ट्र और झारखंड में भी देखने के लिए मिलेगा। यानी हरियाणा की तरह ही महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव कांग्रेस हार जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आचार्य प्रमोद द्वारा यह बड़ा बयान दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस की बर्बादी का जिम्मेदार भी ठहरा दिया और यह कहा कि कांग्रेस में राहुल गांधी के इर्द गिर्द कार्यकर्ता नहीं बल्कि नौकरों का जमावड़ा है। क्या कह रही है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जरा एक बार आप खुद सुनिए। समीक्षा तो राहुल गांधी के फैसलों की होनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से कांग्रेस की बर्बादी नहीं हो रही है, कांग्रेस की बर्बादी के सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई हैं तो वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जी के आसपास उनके नौकरों की एक जमात है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो बहुत बहुत बड़े नेताओं की पार्टी होती थी, आज कांग्रेस नेताओं की पार्टी नहीं रह गई है, नौकरों की पार्टी है। और अफसोस की बात यह है कि राहुल गांधी जी के ये सब नौकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को बेइज्जत करते हैं, उनको अपमानित करते हैं। पिछले 15 सालों से कांग्रेस पार्टी का हर फैसला राहुल गांधी करते हैं, तो उन फैसलों की समीक्षा करने का वक्त आ गया है। मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बुला करके अब राहुल गांधी के फैसलों की समीक्षा होनी चाहिए। ये बड़ी मजेदार बात है कि जिनकी वजह से कांग्रेस हारती है वही हार की समीक्षा करते हैं। अब वक्त आ गया है कि अपने अपने गिरेबा में झांक करके देखना चाहिए, वरना निकट भविष्य में अभी और दुर्गति होने जा रही है। अब हरियाणा के चुनाव खत्म हो गए, जम्मू कश्मीर खत्म हो गए, अब आगामी दिनों में झारखंड और आपका महाराष्ट्र के चुनाव, तो वहाँ को लेकर क्या देखते हैं, कांग्रेस का भविष्य क्या है? मैंने एक बार हुड्डा जी को कहा था कि हरियाणा के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी को मत बुलाना, लेकिन वो नहीं माने। मैं आज ये कह रहा हूँ कि अगर महाराष्ट्र और झारखंड में राहुल गांधी प्रचार में गए तो झारखंड और महाराष्ट्र से भी इसी तरह के परिणाम आएंगे। जिस तरीके से गठबंधन के लोग भी इन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो अभी तो चुनाव दूर है, अभी तो फिर आगे दिल्ली का भी चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है। विपक्ष का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को अपना लीडर मान लिया है जिसने अपनी पार्टी को डुबो दिया। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, अखिलेश यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, ये सब बहुत बड़े नेता हैं, ये सब बहुत मजबूत नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिएगा कि पूरा विपक्ष राहुल गांधी जी को अपना नेता मान चुका है।
हाँ, कांग्रेस पार्टी के भीतर अब ये बात बहुत जोर शोर से चल रही है कि कांग्रेस की कमान किसे सौंपी जाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को सौंप देनी चाहिए। इन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाए कि कहीं जगह कोई गड़बड़ी हुई, कहीं ईवीएम का बैटरी बैकअप ज़्यादा मिला, कहीं कम मिला। तो कभी ईवीएम पर सवाल, कभी कैंडिडेट पर सवाल, कभी खुद के लोग भी सवाल खड़ा करते हैं। ईवीएम पर सवाल उठाना मानसिक दिवालियापन का सबूत है। जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक हो जाती है और हरियाणा में ईवीएम गलत। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी हारती है, लोकसभा के चुनावों में बीजेपी की सीटें कम होती हैं, तो ईवीएम ठीक। और अगर पूरे देश में बीजेपी जीतती है, देखिए ये सारा का सारा जो जलवा है, ये नरेंद्र मोदी का जलवा है। और जब तक नरेंद्र मोदी हैं, विपक्ष इसी तरह ईवीएम का रोना रोता रहेगा और अपनी छाती पीटता रहेगा। ये हरियाणा की जीत सनातन की जीत है, हरियाणा की जीत नरेंद्र मोदी की जीत है, हरियाणा की जीत राष्ट्र की जीत है, हरियाणा की जीत भारत की जीत है। और ये जो हरियाणा में हार हुई है, ये भारत के टुकड़े करने वालों की हार हुई है। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं। और देश की जनता, देखिए भारत की जनता भारत को तोड़ने वाले को साथ नहीं दे सकती, भारत की जनता सनातन का विरोध करने वालों का साथ नहीं दे सकती। तो विपक्ष को तो जैसा कि आपने आचार्य प्रमोद को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो राहुल गांधी है, पार्टी के नेता या कार्यकर्ता नहीं। राहुल गांधी के इर्द गिर्द नौकरों का जमावड़ा है। कांग्रेस में कभी बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन आज ये नौकरों की पार्टी है। ये नौकर कांग्रेस के बड़े नेताओं का अपमान करते हैं। पिछले 15 सालों से कांग्रेस पार्टी का हर फैसला राहुल गांधी ने लिया है। अब उन सभी फैसलों की समीक्षा करने का समय आ गया है। मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुरोध करता हूं कि वह अपने फैसले की समीक्षा के लिए पार्टी की कार्य समिति की बैठक बुलाए। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर कहा था कि राहुल गांधी चुनाव में प्रचार नहीं करते तो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए होते। और उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि लोगों को राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा नहीं पसंद आई थी, वो सनातन का विरोध करते हैं, राम मंदिर पर नाच गाना हो रहा है ये कहते हैं, इस नाच गाना टिप्पणी और भाजपा योद्धा हार गई टिप्पणी, सनातन का विरोध, वामपंथियों का समर्थन, नवरात्रि में चिकन मटन खाना उन्हें नुकसान कर गया। आचार्य ने ये कहा था कि अंतिम समय में मैंने एक बार हुड्डा जी से कहा था कि राहुल गांधी को चुनाव प्रचार के लिए ना बुलाया जाए, लेकिन क्या किया जा सकता है, हरियाणा की जीत सनातन की जीत है। आचार्य प्रभु ने कहा था कि प्रोडक्ट में दम ना हो तो उसको कितनी ही बार लॉन्च कर लो फिर वो वही नहीं जो है चलता है, मार्केटिंग के साथ प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। राहुल गांधी सनातन विरोधी के गैंग से घिर गए हैं। आचार्य प्रभु कृष्णा ने कहा था कि कांग्रेस का जो बेड़ा गर्क किया है राहुल गांधी के इर्द गिर्द वाले लोगों ने कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस को करारी हार मिली है, वो हार वो पचा ही नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस को जिस तरीके की करारी हार जो है मिली है, उसके बाद इस हार का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ने का काम किया जा रहा है। एक तरफ कल राहुल गांधी ने जहां पर एक बड़ी बैठक बुलाई थी जहां पर हरियाणा चुनाव में हार की समीक्षा पर यह बैठक थी, तो हरियाणा के तीन बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुंवारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाल तीनों ही इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उसके बाद ये खबर आई कि जो आलक कमान यानी कांग्रेस के जो बड़े नेता है राहुल गांधी सोनिया, वो भूपेंद्र हुड्डा से नाराज है। फिर ये भी निकल कर आया कि हुड्डा भी कहीं ना कहीं अपनी हार के लिए अब राहुल गांधी को जिम्मेदार मानते हैं, कांग्रेस के आलक कमान को जिम्मेदार मानते हैं, और इसी वजह से उन्होंने भी मीटिंग में हिस्सा लेना जरूरी नहीं समझा। वही राहुल गांधी भरी मीटिंग में इसे लेकर स्थानीय नेताओं पर इसका ठिकरा फोड़ते नजर आते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि चुनाव जीता जा सकता था लेकिन चुनाव में हार का बड़ा कारण खुद स्थानीय नेताओं का अपने इंटरेस्ट को पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर रखना देखने के लिए मिला। और इस बात पर जो है लोग तरह तरह के बयान भी देते नजर आए और लोगों का यह मानना है कि वो 8 सीट जहां पर राहुल गांधी खुद प्रचार करने के लिए गए वहीं पर कांग्रेस की जबान जब्त हो गई, वहीं पर कांग्रेस हार गई।
तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी इक्वली जिम्मेदार है उन हार के लिए जितना वो अपने स्थानीय नेताओं पर इसका ठिकरा फोड़ रहे हैं। ईवीएम को लेकर भी आपने आचार्य प्रमोद को सुना, उन्होंने कहा कि मानसिक दिवालियापन है अगर ईवीएम को लेकर कोई बयान दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब जम्मू कश्मीर में ये जीतते हैं तब ईवीएम ठीक हो जाती है, उत्तर प्रदेश में जब जीत होती है जो है अखिलेश यादव की तब ये ठीक हो जाती है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी जैसे नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन चुन लिया गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन में कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे थे, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी को अब इन्होंने अपना लीडर मान लिया है, इसके लिए क्या कहा जा सकता है? तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर बाकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।